1 2 3। गुड इवनिंग गाइस, दिस इज प्रमोद चंपनी, आपके अपने चैनल प्रमोद चंपनी फूड एंड बेवरेज मास्टर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा रेड वाइन। मेरे कुछ दोस्तों ने कमेंट के माध्यम से हमें सूचित किया था कि रेड वाइन के बारे में या वाइन के बारे में और ज्यादा वीडियो बनाई जाए, तो मैं आज एक इम्पोर्टेड रेड वाइन लेके आया हूँ, जेकब्स क्रीक, जो कि ऑस्ट्रेलियन रेड वाइन है। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये है जेकब्स क्रीक रेड वाइन, ये उसकी बोटलिंग है। दोस्तों, जेकब्स क्रीक, क्रीक का मतलब है, क्रीक एक रिवर का नाम है, एक स्मॉल रिवर, छोटी रिवर है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। जेकब्स क्रीक ऑस्ट्रेलियन वाइन है। दोस्तों, अब इसकी ग्रेप की बात करते हैं। इसे दो ग्रेप से मिलकर बना हुआ है। पहला ग्रेप है सिराज, दूसरा ग्रेप है कवरने। तो ये कवरने सोबियो है और ये सिराज, इसमें सोबियो लिखा नहीं है, ये हमें नॉलेज होनी चाहिए कि ये सिराज और कवरने सोबियो से मिलकर बना हुआ है। अगली चीज, इसमें जो फैक्ट लिखा हुआ है, इंटरेस्टिंग फैक्ट, वो है विंटेज। आप कई बोतलों पर देखोगे विंटेज ईयर लिखा होता है, विंटेज इसमें 2018 लिखा हुआ है। जो विंटेज 2018 का मतलब है कि 2018 में जो इसकी वाइन बनी होगी वो अनदर ईयर की वाइन से थोड़ी बेस्ट होगी, थोड़ी और अच्छी होगी। मतलब क्या होता है कि जो नेचुरली हर साल जो ग्रेप होता है, जो पकता है, ग्रेप की क्वालिटी हर साल अच्छी या थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है, जिसकी वजह से जिस साल बहुत ज्यादा अच्छी होती है ग्रेप की क्वालिटी, जो नेचुरल क्लाइमेट की वजह से जो इफेक्ट पड़ता है, जो हर साल बहुत अच्छा रहता है, उसकी वजह से जो बाई नेचर बहुत अच्छी पकता है ग्रेप, बहुत अच्छी क्वालिटी आती है उसमें और वो उसकी वाइन बहुत अच्छी बनती है, तो उसकी वजह से जो वाइन की क्वालिटी जिस ईयर जितनी अच्छी होती है उस ईयर को उतना अच्छा, तो उसे विंटेज ईयर में घोषित किया जाता है। दोस्तों, जेकब्स क्रीक से पहले इस वाइन का नाम था ऑरलैंडो वाइन कंपनी करके था। और जो अब हम इसकी बात करते हैं ऑनर के बारे में, तो दोस्तों इसके ऑनर है जॉन ग्राम्स, जो कि 1847 से उन्होंने शुरुआत करी इसकी वाइन विनियर्ड्स की। ऑस्ट्रेलिया में एक स्मॉल वाइन विनियर्ड से शुरू किया और आज ओवरऑल वर्ल्ड में ये वाइन चलती है। स्पेशली इंडिया में इस वाइन को बहुत ज्यादा अप्रिसिएट किया जाता है, तो मैंने सोचा आज हम जेकब्स क्रीक के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हम बात करते हैं इसके एल्कोहल वॉल्यूम के बारे में। तो आप देख सकते हैं इसमें जो एल्कोहल वॉल्यूम है वह 13.9 वाई वॉल्यूम, और इसकी एमआरपी बात करें तो इंडियन एमआरपी जो इसकी है 1280। दोस्तों, ये मेरे पास 2 साल पुरानी बोतल है, तो हो सकता है एमआरपी भी थोड़ी ऊपर नीचे हो, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1200 से 1500 के बीच में आपके पास एक बहुत अच्छी इम्पोर्टेड रेड वाइन मिलती है, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा हाई प्राइस नहीं है। अब हम इसकी बात करते हैं इसके नोट्स की। दोस्तों, इसका नोट्स कैसा है? दोस्तों, इसका जो नोट्स है वह है पेपरी और ब्लैक करंट और ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी ब्लैक करंट का बहुत अच्छा फ्लेवर है इसमें और हल्का हिंट है, पेपरी हिंट भी है इसमें। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आएगा और आपकी नॉलेज काफी बढ़ेगी इस वीडियो से। तो दोस्तों, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और दोस्तों हाँ, उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिसकी वजह से आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी मिलेंगी। थैंक यू सो मच।